स्टूडेंट्स रॉयल अकेडमी इंग्लिश, आज मैं आपको पार्ट और स्पीच में जो है प्रेपोजिशन जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट इट. अ वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स एंड इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. इसमें दो बातें हैं. एक ये कि कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये कि एक वर्ड हो सकता है या दो या थ्री वर्ड्स का भी प्रीपोजिशन हो सकता है. उसका फंक्शन क्या होता है, वो रिलेशन शो करता है बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन्स के जरिए वो रिलेशन शो करता है. इसको एग्जांपल्स में वो ज्यादा क्लियर होगा. एंड इज यूजुअली प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन. और ये जो प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन है, प्री मतलब पहले पोजिशन, तो ये नाउन उसकी पोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन से यूजुअली उससे पहले आती है. तो इसे कहते हैं प्रीपोजिशन. एग्जांपल से देखें, द बुक इज ऑन द टेबल. अब यहाँ पे जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है. अब ये कैसे है, जैसे देखिए मैंने कहा था इट शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, बुक इज अ नाउन एंड टेबल इज अ नाउन. ये दो नाउन्स है, वी नो बुक और टेबल, फाइन. पर हमें ये नहीं पता है इन दोनों का रिलेशन, मतलब इन दोनों की आपस में पोजिशन क्या है, कौन किसके ऊपर है या उसके करीब है या उससे दूर है या अंदर है. तो ऑन हमें बताता है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है. और जब इस तरह ये ऑन का वर्ड हो तो ये एक सरफेस दूसरे सरफेस को टच जब करती है तब हम ऑन का वर्ड यूज करते हैं. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल या शी इज सिटिंग ऑन द चेयर या फॉर एग्जाम्पल द पेंटिंग इज ऑन द वॉल. कोई पिक्चर है वो दीवार के ऊपर है, उसके सरफेस को टच कर रही है तो हम कहेंगे ऑन द वॉल. अगर वो उसके अंदर नहीं है तब, अगर एक चीज दूसरे के, अगर वो बॉक्स के अंदर है तो फिर तो इन यूज होगा, लेकिन अगर वो बॉक्स के ऊपर पड़ी है, ऊपर पड़ी हुई है और ऊपर उसके सरफेस को टच कर रही है, सो देन वी विल यूज ऑन. शी अराइव्स इन टाइम. इन जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है. अब ये किन दो चीजों के दरमियान जो है वो रिलेशन को शो करता है, टाइम को और शी को. अब मैंने आपको बताया था शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, लेकिन ये जो शी है जो प्रोनाउन है असल में वो एक नाउन ही है, बिकॉज शी इज यूज इन एवरी प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. कोई भी प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन ये तो जाहिर बात है कि जो प्रोनाउन का ओरिजिनल सोर्स है वो जो शी है वो एक फीमेल है और वो एक्चुअली तो एक नाउन ही है. तो शी और टाइम के दरमियान रिलेशन शो करता है कि वो पहुंचती है, कब पहुंचती है, इन टाइम, वो वक्त पे पहुंचती है. She was in front of me. इसी तरह in front of. अब ये compound preposition है. ये हम कहते हैं ना group of words हैं. Three words से भी preposition मिल जो है बन के मिलता है. In front of. In front of वो clear है कि वो मेरे सामने है. तो she और me का जो preposition है, जो relation है, वो ये है कि वो मेरे सामने है. This gift is for you. You और gift के दरमियान हमें जो है वो relation बताता है, वो for है. The college building is next to my home. और college building और home ये दो nouns है और इनके दरमियान जो relation है वो next to हमें बताता है. Next to का मतलब वो करीब है. College building is near my home या next to my home. इसी तरह जो बाकी preposition है कुछ और हैं, वो ये हैं behind, across, below, under, beneath, at, with और etc. Prepositions के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको अगर हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे उर्दू टू इंग्लिश तो वो जो है अक्सर वो का जो है वो गलत हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. जैसे उर्दू में हम कहते हैं सूरज मशरक से निकलता है. तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम कहते हैं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. तो क्योंकि हम कहते हैं मशरक से निकलता है, उसको हम फ्रॉम ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो वो गलत है. द सन राइजेस इन द ईस्ट होता है. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, आपकी घड़ी में क्या वक्त है, तो हम इसको ट्रांसलेट करके कहते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच. क्योंकि आपकी घड़ी में क्या वक्त है तो हम इन कहते हैं जो गलत होता है. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच जो है वो सही है. तो ये असल में प्रपोजिशंस को हम जब ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें मिस्टेक हो जाती है. इसको जो है ट्रांसलेट करके नहीं करना होता बल्कि सीखना पड़ता है कि कौन सा प्रपोजिशन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है. So this was all about preposition.